खबर जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल से है, जहां गांव ज्ञाना माजरा में स्वयं सहायता समूह चलाने वाली महिलाओं को शिकायत करना महंगा पड़ गया। दरअसल मामला प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 से जुड़ा हुआ है, जहां पर बच्चों को दी जाने वाली ड्रेस गांव के ही नवजागरण स्वयं सहायता समूह से बनवाकर दी जाती थी, लेकिन इस बार प्रधानाचार्य ने इस स्वयं सहायता समूह से न बनवाकर बाहर से ड्रेस बनवाकर दे दी। जब इस बात की जानकारी दूसरे समूह को हुई तो उन्होंने इस प्रकरण पर जानकारी प्रधानाचार्य से की। समूह की महिलाओं ने इसकी शिकायत पुलिस में कर दी। महिलाओं का आरोप था कि दूसरे समूह की महिलाओं से प्रधानाचार्य ने ड्रेस भी नहीं बनवाई और उनके ड्रेस वितरण करते हुए फोटो खींच लिए। शिव शक्ति गणेश स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने लिखित में दिया है कि समूह की महिलाओं ने थाना प्रभारी सुबे सिंह यादव से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। वहाँ पे मार पिटाई करके आए, तो इसलिए हमें थाने में बुलाया गया था, तो इसलिए आए। किसने बुलाया थाने में? दरोगा जी ने बुलाया। क्या मामला था? ये ड्रेस का ही मामला था। ये पर उस दिन गए थे हम, परसों तक गए थे, तो ये ड्रेस का मामला था जो, तो उसके लिए उन्होंने रिपोर्ट डाल दी, तो इसलिए। क्या मामला था ड्रेस का? ड्रेस का ये मामला था जी, हम तो ये कह रहे थे कि ये ड्रेस तुमने खुद की बनती, मारे से पूछा क्यों नहीं भाई, मारे पता ये ड्रेस मारे हमें बांटनी थी, मतलब हमें बनानी थी, तो उन्होंने अपने आप खुद ही दूसरे समूह से बटवा दी। हमारे तो ये भी नहीं पूछा कि हम बनते हैं कि नहीं बनते हैं। जैसे कि मैं अध्यक्ष हूँ तो मेरे से तो पूछना चाहिए था कि भाई एक बार ये बता दो हम बनते हैं कि नहीं बनते हैं। वो हमारी मर्जी, हम हाँ करते हैं ना करते।